ग्रेजुएशन जैसे ख़त्म होती है मैं एक यू का प्रिपरेशन शुरू कर देता हूँ यू के इंटरव्यू को मेरा सिलेक्शन हो गया और यू के इंटरव्यू का सिलेक्शन यानी नए मतलब उसके लिए कपड़े लेना ब्लेजर लेना यहाँ से दिल्ली जाना वहाँ पे रहना खाना पीना इसमें लगने वाला था खर्चा दोस्त ने मुझे फाइनेंशियल हेल्प की थी उसने खुद की गोल्ड रिंग बेच के मुझे वो फाइनेंशियल मदद की थी आई वॉज वेटिंग फॉर इंटरव्यू के रिजल्ट का कि रिजल्ट आएगा और आगे की जर्नी मेरी शुरू होगी लेकिन जिस दिन रिजल्ट आया आज भी मैं वो दिन याद करता हूं तो मेरे मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं और तब से शुरू हुई ट्रेवल यू फूडी की सोशल मीडिया की जर्नी जो सभी लोग मुझे देख रहे हैं आपके दिमाग में कभी ना कभी ये ख्याल तो जरूर आया होगा कि चलो ट्रैवल व्लॉगिंग करते हैं फूड ब्लॉगिंग करते हैं किसे पसंद नहीं है कि रेस्टोरेंट में जाए डिफरेंट टाइप्स का कुजिन ट्राई करे डिफरेंट एक्सप्लो लोकेशंस को एक्सप्लोर करे और उससे पैसे कमाए लेकिन ये जो मेरी जर्नी है जो एक यू पी एस से से लेके एक फूड और ट्रैवल ब्लॉगिंग तक की ये इतनी ईजी नहीं थी ये जो ट्रांजिशन है उसमें बहुत समय लगा मुझे खुद को वो एक्सेप्ट करने में समय लगा और उसमें आपको जो सपोर्ट सिस्टम चाहिए ये सब करने के लिए क्योंकि सबको लगता है कि हम वीडियो डाल देंगे वो वीडियो से हम दूसरा वीडियो डाल देंगे फिर वो वायरल हो जाएगा लोग पसंद करेंगे और मैं ब्लॉगर बन जाऊंगा तो ये ऐसा नहीं है इसके पीछे बहुत हार्ड वर्क है नमस्कार मैं अभिजीत मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ मैं फूड और ट्रैवल के वीडियोज़ बनाता हूँ और मेरा इंस्टाग्राम पर पे पेज है ट्रैवल यू फूडी नाम से मेरी फूड और ट्रैवल की जो जर्नी है वो मेरे स्कूलिंग से शुरू होती है मैं एक नवोदयन हूँ जवाहर नवोदय विद्यालय में मेरी स्कूलिंग हुई है वहाँ स्पोर्ट्स में मैं था तो स्पोर्ट्स के कॉम्पिटिशन्स को करते करते मैं अलग अलग राज्यों में घुमा हूँ तो जिस राज्यों में मैं जाया करता था तब मैं क्यूरियस हुआ करता था कि वहाँ पे मुझे क्या खाने को मिलेगा वहाँ मैं क्या ट्रैवल करूँ क्या किस लोकेशन को एक्सप्लोर करूँ तो ये करते करते मेरी जो जर्नी है उसकी क्यूरियासिटी बढ़ते बढ़ते वो इस लेवल तक आ गई कि आज मैं फूड और ट्रैवल ब्लॉगर हूँ तो ये जो जर्नी है जो स्कूलिंग था मेरा तो सिक्स से लेकर बारहवीं तक मैं रेसिडेंशियल स्कूल में रहा हूँ और वहाँ पे पहला साल तो मुझे स्कूल का सिस्टम समझने में निकल गया वो रोना वो घर की याद में रोना एक बच एक स्टूडेंट अगर रोने लगता था तो दूसरा रोने लगता था और ऐसे कम्युनिटी में हम सब रोया करते थे और उसे हम कम्युनिटी रोना भी कहा करते थे लेकिन उसके बाद में मैंने खुद का मन लगा रहे इसलिए मैंने स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को करिकुलर एक्टिविटी जैसे डांस ड्रामा एक्टिंग सिंगिंग ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में मैंने खुद को ढाल दिया और उसमें मैंने बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स बहुत सारी बहुत सारे लेवल पर मैंने उसको लेके गया ये जो जर्नी थी ये जब बारहवीं तक ट्वेल्थ स्टैंडर्ड तक ख़त्म हो गए उसके बाद जब मैं बाहर निकलता हूँ तब मेरे पास दो ऑप्शंस थे एक तो मैंने नेशनल मैंने स्पोर्ट्स में तीन नेशनल किए है। आर्चरी हैंडबॉल और बास्केटबॉल इन तीन गेम्स में नेशनल किए गोवा महाराष्ट्र और गुजरात का आई एम द ओनली स्टूडेंट कि जिसने एस में स्कूल गेम फेडरेशन में नवोदय को रिप्रेजेंट किया है लेकिन बीइंग अ मिडिल क्लास फैमिली बच्चा मिडिल क्लास फैमिली मेंटेलिटी मैं जिस गांव से आता हूँ महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर के एक छोटे से गांव सिल्लौर से आता हूँ वहाँ पे स्पोर्ट्स में करियर करना इसको मतलब इसको एज अ करियर नहीं देखा जा रहा था तो और मेरी जो स्पोर्ट्स थी एक आर्चरी उसके इक्विपमेंट्स बहुत ही महंगे थे तो वो स्पोर्ट्स में करियर करने का ऑप्शन वही कैंसिल हो जाता है और मेरे पास रहता है दूसरा ऑप्शन वो था गवर्नमेंट जॉब और गवर्नमेंट जॉब में मैंने सोच मैं मैंने सोचा कि ग्रेजुएशन के बाद मैं यूपीएससी करता हूँ और ग्रेजुएशन की मैंने पॉल, पॉल साइंस में एडमिशन ले लिया कॉलेज में भी मैं ऑलराउंडर था बहुत सारे एक्टिविटीज़ मैंने किए यूथ फेस्टिवल में मैं था यूथ एक्टिविटीज़ के लिए मैं पांडीचेरी गया था और वहाँ पांडिचैरी की जो जर्नी थी मेरी मतलब मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा कि मैं मैं एज अ ट्रैवलर हूँ तो चेन्नई से लेके पुडुचेरी यहाँ तक की जो जर्नी है एक तरफ समंदर है एक तरफ पैरलर रास्ता है और वो जो जर्नी होती है और बीच बीच में स्ट्रीट फूड जो आपको मिलते हैं तो वो खाने का वो जो यादगार वो जो सफ़र होता है वो मैं कहूँगा आप सबको एक्सपीरियंस करना चाहिए और ग्रेजुएशन जैसे ख़त्म होती है मैं यू का प्रिपरेशन शुरू कर देता हूँ सीरियसली मैंने बहुत पढ़ लिया यू का जितना सिलेबस था वो सब कुछ मैंने पढ़ लिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन जोग्राफी वर्ल्ड जोग्रफी एंशियट मिडल एंड मॉडर्न हिस्ट्री जो जो यू के लिए रिक्वायर था वो मैंने सब कुछ पढ़ लिया मेरा टाइम शेड्यूल ही ऐसा था कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा समय ये मेरा लाइब्रेरी में गुजारा गुजर मैं गुजारता था बहुत पढ़ने के बाद मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल था उसके उसके जो उस पर मैंने अलग अलग दूसरे एग्ज़ाम्स भी दिए जैसे महाराष्ट्र स्टेट की पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम एम पी एस फिर आ, मैंने इंडियन एयरफोर्स का एस का पाँच दिन का इंटरव्यू दिया और उसी में यू का इंटरव्यू भी मैंने दिया है इस दौरान इस जो मैं पढ़ाई कर रहा था तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स मेरे साथ भी हुई है मतलब जैसे कि इकोनॉमिकल क्राइसिस मैं मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ मेरी पॉकेट मनी कभी अग, कभी अगर लेट हो जाती थी या फिर मंथ एंड में वो खत्म होने आती थी तो कभी कभी वड़ा पाव खा के भी मैंने दिन गुजारे मैं अलग अलग जगहों पर मतलब जैसे रूम से लाइब्रेरी लाइब्रेरी से मेस और पॉकेट मनी अर्निंग के लिए के बाद में मैं अलग अलग क्लासेस में पढ़ाने भी लगा तो क्लासेस को जाना इस सब में मेरे पास बाइक नहीं थी तो यहाँ पे सबसे अहम रोल आता है आपके दोस्तों का मतलब आपका जो सपोर्ट सिस्टम होता है घर वालों से दूर जब आप रहते हो तब आपका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम रहता है आपके फ्रेंड्स मेरे एक फ्रेंड ने ख़ुद की बाइक मुझे दे दी चार पाँच सालों के लिए कि भाई तू यूज़ कर तू यूज़ कर जब चाहे तुझे तू तु मुझे वापस दे देना दो साल पहले मैंने खुद की बाइक ली तभी मैंने उसको उसकी बाइक वापस कर दी ये सपोर्ट सिस्टम दोस्त का होना बहुत ज़रूरी होता है अनकंडीशनल फ्रेंडशिप जिसे कहा जाता है ये जब मैं पढ़ाई कर रहा था टीचिंग कर रहा था तो इसमें सबसे मेरी अचीवमेंट बड़ी थी कि मुझे यू का यू के इंटरव्यू को मेरा सलेक्शन हो गया और यू के इंटरव्यू का सलेक्शन यानी नए मतलब उसके लिए कपड़े लेना ब्लेजर लेना यहाँ से दिल्ली जाना वहाँ पे रहना खाना पीना और वो इंटरव्यू का पूरा प्रिपरेशन इसमें लगने वाला था खर्चा घर से जो मुझे पैसे आए वो मेरे लिए लिमिटेड थे तो उस वक्त क्या करें तो मेरे एक दोस्त ने मुझे फाइनेंशियल हेल्प की और उस फाइनेंशियल हेल्प को लेके मैं दिल्ली गया मैंने इंटरव्यू दिया और अभी पिछले दिवाली मुझे ये बात पता चली कि जिस दोस्त ने मुझे फाइनेंशियल हेल्प की थी उसने खुद की गोल्ड रिंग बेच के मुझे वो फाइनेंशियल मदद की थी ये मुझे तीसरे दोस्त से पता चला एंड दैट टाइम आई वॉज लाइक कि क्या और मतलब मुझे तब महसूस हुआ कि आई एम ब्लेस्ड कि मेरे पास इतने अच्छे दोस्त हैं मैं इंटरव्यू दिया मैं एक्साइटेड था आई वाज वेटिंग फॉर इंटरव्यू के रिज़ल्ट का कि रिज़ल्ट आएगा और आगे की जर्नी मेरी शुरू होगी लेकिन जिस दिन रिज़ल्ट आया वो दिन मेरे लिए बहुत ही भयानक था क्योंकि यूपीएससी का सिलेक्शन मेरा तीन मार्क से रह गया आज भी मैं वो दिन याद करता हूँ तो मेरे मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं जिस दिन रिजल्ट लगा दोपहर में मैं रूम पे गया आई वॉज़ वेरी टेंस्ड मैं बहुत ही टूट चुका था अलग अलग दिमाग में ख्याल आने लगे थे मैंने खुद को बंद कर लिया था दो तीन दिन के लिए मैंने किसी के कॉल रिसीव नहीं किया मैं किसी से बात नहीं किया किसी का सुना नहीं मैं शांत था और वही दिमाग में चल रहा था कि क्या गलत हुआ तीन मार्क्स यानी एक से दो क्वेश्चंस क्यों नहीं कर पाया इतनी दिन की तैयारी इतना दिन का हार्डवर्क मैंने उस इंटरव्यू के प्रिपरेशन से पहले मैंने मतलब मेरा वजन 10 से 15 किलो कम कर लिया था ये सब हार्डवर्क करने के बावजूद ये फेल्यूअर मुझे आया तो आई वाज वेरी डिप्रेस्ड मेरे पास दो ऑप्शन थे उसके बाद एक था कि मैं उसी सदमे में रहूँ सोचता रहूँ कि मैं क्या करूँ आगे क्या करूँ और दूसरा था कि मैं उससे बाहर निकलूँ मैंने सेकेंड ऑप्शन चूज किया मैं सेकेंड ऑप्शन चूज करने के बाद मैं बाहर निकला मैं दोस्तों से मिला दोस्तों से मिलने के बाद दोस्त ने मेरे लिए प्लान किया कि चलो कहीं बाहर जाते हैं कहीं दूर जाते हैं घूमते हैं थोड़ा सा खाना पीना खाते हैं फिर बाद में बात करते हैं तीस चालीस किलोमीटर ट्रैवल करते वक्त और वहाँ पर जाने के बाद खाना खाने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ मुझे ये 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 महसूस हुआ कि जो पहले वाला अभिजीत था वो खाने में या ट्रैवलिंग के समय में जो खुश रहता था वो खुशी मुझे उस वक्त महसूस होने लगी तब मैंने रियलाइज़ किया कि खाना ट्रैवल करना ये मुझे रिलैक्स करता है ये मुझे एनर्जी देता है और तब से शुरू हुई ट्रैवल यू फूडी की सोशल मीडिया की जर्नी सोशल मीडिया की जर्नी इसलिए क्योंकि उससे दस पंद्रह दस बारह साल पहले मैं खुद ट्रैवल करता था खुद खुद फूड को एक्सप्लोर कर रहा था मैं लोग मुझे जब पूछते कि आपका ट्रैवल और फूड का एक्सपीरियंस क्या है तो मैं उन्हें खुशी खुशी बताता हूँ कि मैंने पूरा भारत घूम लिया है मैंने तब घुमाए जब भारत के ट्वेंटी स्टेट हुआ करते थे आज ट्वेंटी स्टेट है तब से मैं घूम रहा हूँ इसलिए सोशल मीडिया की जर्नी अब शुरू हुई क्योंकि मैं अब पोस्टिंग करने लगा था जो मैं खा रहा था उसे पोस्ट कर रहा था उसके वीडियोस में डाल रहा था और यह सब अच्छे से जा रहा था मेरे फॉलोअर्स बढ़ रहे थे व्यूज़ बढ़ रहे थे लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे थे और उसके बाद ये सब अच्छे से जा रहा था और मेरे लिए सेकेंड सबसे बड़ा चैलेंज आया वो मेरे लिए नहीं पूरे दुनिया के लिए वो चैलेंज था और वो था कोविड लॉकडाउन सब कुछ रुक गया सब कुछ थमसा गया मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि एक एक्सप्लोरर के लिए एक कंटेंट क्रिएटर के लिए बाहर जाना और वो कंटेंट क्रिएट करना और उसको पोस्टिंग करना ये सब रुक गया था अब मैं क्या करूं लेकिन मेरे पापा ने मुझे बचपन से एक चीज़ सिखाई है कि जो भी लाइफ में प्रॉब्लम आते हैं जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है उसे पॉजिटिव नोट पे लो और आगे का सोचो कि यहां से आगे मैं क्या कर सकता हूं और आई टुक इट एज अ चैलेंज और मैंने घर पर जो बनाया उसका पोस्टिंग शुरू कर दिया होम कंटेंट खुद का कंटेंट मैंने पोस्ट शुरू कर दिया और तब क्वारंटाइन या फिर जो लोग लॉकडाउन में थे उन सभी ने उन सभी के प्यार ने उनके सपोर्ट्स ने मेरा इंस्टाग्राम चैनल और बढ़ने लगा लॉकडाउन ख़त्म होता है रील्स का ऑप्शन आ जाता है एंड नाउ आई एम इनटू रील्स मैं जब रील क्रिएट करने लगा लोगों को वो भी पसंद आने लगा मेरी रील्स वायरल होने लगी रील्स एक वायरल दो वायरल तीन वायरल ऐसे बहुत सारी रील्स वायरल वायरल्स होने लगी वन मिलियन टू मिलियन थ्री मिलियन सेवन नाइन मिलियंस इतने रील्स वायरल होने के बाद मुझे वो कॉन्फिडेंस आया कि यस आई कैन डू दिस मैं ये कर सकता हूं मेरी यूपीएससी की जर्नी जो थी जिसमें मैंने इतने सारे एग्जाम्स क्रैक किए इंटरव्यू तक मैं पहुंचा वो जर्नी से मैंने जो सीखा था एक कॉन्फिडेंस लेवल एक नॉलेज क्योंकि यूपीएससी जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तब मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ ली थी फेलियर को भी मैंने डाइजेस्ट कर लिया था अब यहाँ पे तो मुझे फेलियर नहीं था यहाँ पे तो मुझे सक्सेस मिल रहा था और मैं उस तरफ एक एक कदम बढ़ रहा था अब सोशल मीडिया की जर्नी का मेरा मतलब असली शुरुआत हो गया मैं प्रोफेशनली उसको करने लगा लोग मुझे रेस्टोरेंट्स के रिव्यू के लिए बुलाने लगे टेस्टिंग के लिए बुलाने लगे उनके प्रमोशंस के लिए बुलाने लगे जो बड़े बड़े ब्रांड्स से मतलब 25 फाइव ईयर्स ओल्ड थर्टी ईयर्स फिफ्टी ईयर्स ओल्ड ब्रांड्स भी मुझे बुलाने लगे कि वी नीड टू प्रमोट दिस इन ऑन योर पेज दैट वॉज द इंस्पिरेशन फॉर मी लेकिन इसमें एक ट्विस्ट था ये जो मेरे सोशल मीडिया की जर्नी मैंने स्टार्ट की थी इस बारे में मेरे घर पे पता नहीं था और जब मेरी रील्स वायरल होना शुरू हो गई तो वो रील्स मेरे घर तक पहुंच गए मेरे फैमिलीज़ रिलेटिव्स और पुराने दोस्तों से मुझे कॉल्स आने शुरू हो गए और बीइंग अ मिडिल क्लास फैमिली आज भी मैं उस स्ट्रगल में हूँ कि मैं घर वालों को कन्विंस करना कर रहा हूँ कि मैं आउट ऑफ द बॉक्स कुछ तो कर रहा हूँ आज भी वो स्ट्रगल शुरू है ये एक बात है और दूसरी बात है जब भी मैं कभी बाहर निकलता हूँ लोग मुझसे मिलते हैं लोग मुझे उनकी स्टोरीज़ बताते हैं उनके सेल्फीज़ लेते हैं लोग मुझे मोटिवेट करते हैं इंस्पायर्ड होते हैं मुझसे और मेरे मुझे अप्रिशिएट करते हैं दैट इज़ द अनदर थिंग थिंग और जो मुझे मोटिवेट करती है कि मैं और अच्छे से काम करूँ और अच्छे से वीडियोज़ बनूँ बनाऊ उनके लिए एक्सप्लोर करूँ उनके लिए नए नए जगह ढूंढूँ कि उनको क्या खाना चाहिए कहाँ जाना चाहिए कहाँ घूमना चाहिए और ये सब करते वक्त जो मोटिवेशनल फैक्टर होता है वो ये था कि मैं आज एक क्लास वन ऑफिसर कितना कमा लेता हूँ ये सब जर्नी शुरू होती है और मेरे अभी इस मुकाम पे मैं पहुंच गया हूँ कि एन फूड महाराष्ट्र टूरिज्म इनके पेजेस पे भी मेरे पोस्ट फीचर्ड हुए हैं उसके बाद सोशल मीडिया की जर्नी से पहले मुझे जोमेटो कॉनेजर का टैग मिल चुका है मैंने मूवी का प्रमोशन किया है और 70 एम एम के बिग स्क्रीन पे ट्रेवल्यू फूडी का नेम और लोगो वो आया है दैट वॉज द बिग अचीवमेंट फॉर मी वो खुशी का दिन था आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि ये इतना बड़ा अचीवमेंट मैं कर रहा हूँ और अभी इस वक्त मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट जो मुझे लगता है कि आई एम निकॉन ऑफिशियल क्रिएटर तो ये मेरी यहाँ तक की जर्नी है तो मुझे यहाँ ये जर्नी में मैंने जो कुछ सीखा है तो वो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लाइफ इज़ फुल ऑफ एक्सपीरियंसेस आपको बहुत तरह के एक्सपीरियंसेस आएंगे यू नीड टू फेस इट आपको गो थ्रू इट आपको उसको पार करके जाना है तभी आपको आप जो हासिल करना चाहते हो जिस मुकाम पे आपको पहुंचना है आप पहुंचोगे मैंने कभी भी किसी का कुछ कॉपी नहीं किया मेरे पापा ने मुझे बचपन से एक चीज़ बहुत अच्छे से सिखाई कि बेटा बी ओरिजिनल आपको आपके खुद के आइडियाज पे खुद की ओरिजिनलिटी पे काम करना जरूरी है फोकस रहना जरूरी है क्योंकि लोग आपसे आपका स्टाइल चुरा सकते हैं आपका कंटेंट चुरा सकते हैं आपकी आइडियाज चुरा सकते हैं लेकिन एक चीज़ वो आपसे कभी नहीं चुरा सकते वो हो आप खुद सो बी योर सेल्फ बी ओरिजिनल बी योर ओन ये सबसे बड़ी चीज़ मैंने यहाँ से सीखी उसके बाद जो मुझे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे फूड ने सिखाई वो है कि हम चार पाँच दिन बासी खाना कभी नहीं खाते और चार पाँच दिन बाद में हमें खाने के लिए जो चाहिए वो आज हम नहीं बना के रखते तो हम क्या करते रोज़ फ्रेश फूड बनाते और फ्रेश खाते लाइफ का भी यही फंडा है पास्ट का ना सोचे फ्यूचर का ज़्यादा ना सोचे आप सोचो इसी वक्त का और प्रेजेंट में जिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे आज तक लगी और ये जो मेरी स्टोरी है इसे आपके पास बया करने का जो मौका मुझे स्टॉक ने दिया है तो मैं आप सभी का और स्टॉक का आभारी हूं थैंक यू जय हिंद इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें